मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसके बारे में? ख्वाजा गरीब नवाज वाहिदुद्दीन चिश्ती अजमेरी। नहीं नहीं, बारे में क्या सोचते हैं आप? जानते तो हैं ही। हाँ देखिए, मैं बताऊं, एक टोली जब लुटेरों की आई थी, सुन लीजिए, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे सॉफ्ट तरीके से चीजों को करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए क्या है। अब उसको बोलने और कहलाने की जरूरत क्या है? आपके बोलने से कोई समझने वाला नहीं है। उनका भी इतिहास भरा पड़ा है साहब, उसको छुपाने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं नहीं, फरासत साहब आप बोलिए। नहीं मालूम आपको कि ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में आने के बाद जो भाईचारा पैदा किया वो एक मिसाल है। आज भी उनकी दरगाह पर हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। एक फरासत साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये भाईचारा खराब किसने किया था? एक आदमी था, भाईयों का सर कलम कर रहा था तलवार से, और दूसरा आदमी ने चारा बना के उनको परोस रहा था। मिश्रा जी, फरासत साहब ये बताइए कि भाईचारा खराब किसने किया था भारत का, जो ठीक करने के लिए किसी को आना पड़ा? देखिए ऐसा है, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये जो एक तरफा बात कर रहे हैं, ये काफिराना हरकत है। ये कि मुसलमान जो आए बोल दीजिए, बाहर से आए और बहुत सारे मुल्कों से आए और आने के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग। अच्छा, बाहर से आए क्यों थे जरा बताइए? तपस्या करने आए थे, शिक्षा पढ़ने लिखने के लिए आए थे सारे लोग? अच्छा, बाहर से आए क्यों थे जरा बताइए? तपस्या करने आए थे, शिक्षा पढ़ने लिखने के लिए? नीचे जात के लोग थे, जो ऊपर जात के लोग थे, उनको अपने साथ बिठाया, उनको अपने साथ खाना खिलाया और वो उनसे मोहब्बत करने लगे, वो उनके साथ हो गए। फिर ये भी बात रखिए ना, अब एक तरफ से हकारते जा रहे हैं आप, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं, फरासत साहब के माफ करो, ऐसी मोहब्बत के लिए रहने दीजिए, मोहब्बत के जाल में मत। फरासत साहब, इसीलिए आपको बुलाया है कि बात तारीफ नहीं आती। नहीं नहीं, इससे नहीं आती आपसे, आप जो है कुछ नहीं जानते इस मामले में। जबरदस्ती मोहब्बत की बातें आप किए पड़े हैं। नहीं नहीं, फरासत साहब देखिए, हमने आपको बुलाया इसीलिए कि बात एक तरफा ना हो, आप अपनी बात रखे। नहीं, फरासत साहब आपको बुलाया इसलिए कि आप अपनी भी बात रखे, बात एक तरफा ना हो। और एक बात जी 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 बोलिए, जो बात आई और जो गलत बात थी, तो इसलिए मैंने टोक करिए बताया कि आप उनके बारे में भी बताइए, ख्वाजा साहब के बारे में। नहीं नहीं, आप इनसे जरा पूछिए, ख्वाजा साहब और संयोगिता का जो इतिहास रहा है क्या रहा है, जरा पूछिए इनसे। नहीं नहीं, आप इनसे जरा पूछिए, ख्वाजा साहब और संयोगिता का जो इतिहास रहा है क्या रहा है, जरा पूछिए इनसे, क्या हुआ था या क्या किया था ख्वाजा साहब ने संयोगिता के साथ, जरा बताइए। हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए। ख्वाजा साहब ने भी यहाँ आने के बाद डेरा किया था। अरे आप मेरे को बताओ क्यों आए थे मुगल यहाँ पे, क्यों आए थे मुझे ये बताइए। अरे आप मेरे को बताओ क्यों आए थे मुगल यहाँ पे, क्यों आए थे मुझे ये बताइए। हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए थे, क्या लालच था? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए थे, क्या लालच था? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? अरे वो आए थे, दुनिया जमाने के लोग आते थे। मैं तो ख्वाजा साहब के बारे में पूछ रहा हूँ कि उनके बारे में। ख्वाजा साहब उनके साथ आए थे, ख्वाजा साहब उन्हीं के साथ आए थे, अकेले नहीं आए थे। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जरा खुल के बताइए, ख्वाजा साहब ने संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान की जो धर्म पत्नी थी, क्या किया था मुझे बताइए? कव्वाली, जो कव्वाली का सिस्टम शुरू किया है वह ख्वाजा साहब ने शुरू किया है। नहीं, यहाँ संगीत की कमी थी क्या जो कव्वाली की जरूरत पड़ गई थी? यहाँ संगीत की, नाट्य विधा की कमी थी जो कव्वाली की जरूरत पड़ गई थी? संगीत कला की कमी थी जो कव्वाली की जरूरत यहाँ पड़ गई? उनको बुलाया, इतने बड़े साइंटिस्ट थे क्या, या गायन वादन में इतने निपुण थे कि आइए भाई कव्वाली जैसी चीज आप हमारे देश में फैलाइए, किसी ने बुलाया था? आप कव्वाली को जानते नहीं? अरे हम खूब जानते हैं सर, हम खूब सुने हैं और जानते हैं। नहीं नहीं, चले चले, फरासत साहब, फरासत साहब।